Today we will be discussing about the Environmental Protection Act and Environmental Protection Rules 1986. तो ये इस जो लेजिस्लेशन का है, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन का लास्ट लेक्चर होगा। तो इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, थोड़ा सा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से पहले जो डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया में रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो जो 1970s का जो दौर था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई एंड जो उस टाइम प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट वाज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन फॉर द एयर, पोल्यूशन फॉर द वाटर। तो उसके बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में, तो जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते थे। एंड देन वो जो कॉन्फ्रेंस थी 5 से 16 जून तक जो है चली थी। तो इस जो कॉन्फ्रेंस में जो है पूरा जो है रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज डिस्कस किए गए थे। तो इस कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट भी कहा जाता था, फर्स्ट अर्थ समिट 1972। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन वाज फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड, तो उसमें ऑप्शंस होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1972, जून 1972। तो इसमें उस टाइम जो इंदिरा गांधी थी, तो वो वहाँ पे कुछ जो इश्यूज लेके वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में गई थी, दैट वाज एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड द पॉवर्टी, और जो ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। तो ये कुछ इश्यूज थे वहाँ पे, उसमें डिस्कस किए गए थे। तो फिर उसके बाद 1972 के बाद एक मेजर ट्रेजिडी हुई थी इंडिया में, जिसके बाद एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी सेकेंड एंड थर्ड ऑफ दिसंबर 1984 में। तो जिसमें आपको पता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो लीक हुआ था फ्रॉम यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री भोपाल सिटी में, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई थी। तो उसके बाद जितने भी एनवायरमेंटल लॉज, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा इससे पहले 1984 से पहले कितने लॉज ऑलरेडी थे, जैसे 1974 में वाटर लॉ था, 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट था, 1972 में वाइल्ड लाइफ था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट 1980। बट उसके बाद जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, जिसको हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स, जो उसकी जो पेनल्टीज वगैरह क्या रहेंगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, पैरामीटर्स क्या रहेंगे, वो सब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स में डिस्कस किया गया है। अंडर द जो इस जो बेसिकली ये दो एक ही है, बट ये जो है स्पेसिफाइड कुछ चीज़ें डिस्कस करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स। तो इसके बाद ये कुछ और है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मेजर डेवलपमेंट्स हुई रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, बहुत सारे जो से इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि इंडिया में लेजिस्लेशन के हिसाब से, लेजिस्लेशन पे क्या क्या चीज़ें जो नई इम्प्लीमेंट हुई इंडिया में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये फोर्स में आया था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 19th of November 1986, और ये पूरे इंडिया पे पूरा इम्प्लीमेंट हुआ था, एक्सटेंड हुआ था। तो इसमें क्या है, द एक्ट वाज पास्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, मीन्स कि जो भी मैटर्स, जो भी चीज़ें लगेंगी फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, वो इस एक्ट में डिस्कस की गई है। कि मीन्स कि एक तो एक्ट आता है, उसके बाद उसमें डिफरेंट बॉडीज बनती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज बनती है, तो वो पूरा इस लॉ में डिस्कस किया गया था। द एक्ट गिव्स सर्टेन पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए गए, जो पावर्स हम आगे जाके इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स दिए गए हैं इसमें।
तो उनको पावर्स दिए गए हैं किस लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को रिड्यूस करना, प्रिवेंट करना। तो ये जो एक्ट है, द एक्ट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। तो ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन मीन्स ये एक मानो कि एक वाइड ब्रॉड प्रस्पेक्टिव में एक इसमें और भी बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसमें और कौन सारे और एक्ट्स धीरे धीरे जो है ऐड किए गए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये एक फ्रेमवर्क है कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करेगी वेरियस एक्टिविटीज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, जो भी लॉज है, चाहे वो पुराने जो लॉज है वाटर, एयर, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है नए लॉज के साथ, उनके क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो कुछ लॉज में कुछ डेफिनेशंस है हमको पहले, जब भी कोई लॉ बनता है प्रिलिमिनरी, उसमें एक चैप्टर होता है जिसमें पूरी जितनी भी टर्म्स यूज होती है लॉ में उनको डिफाइन किया जाता है। तो उसके बेसिस पे ही फिर आगे जाके जितनी भी चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट होती है। तो इस लॉ में एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, एनवायरनमेंट इस लॉ में बताया गया इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। मीन्स कि अगर आप डिफिनेशन में भी देखोगे कि एनवायरनमेंट की डिफिनेशन, अगर आप इफ यू रिकॉल द फर्स्ट यूनिट, जो पहला चैप्टर, पहला जो लेक्चर हमने क्लास में पढ़ा था कॉलेज में, तो उसमें हमने बताया था एनवायरनमेंट क्या है। इट इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ जो है सराउंडिंग्स किसी भी इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे ये बताता है वाटर, एयर एंड लैंड और इनकी इंटर रिलेशनशिप आपस में। तो उसमें एयर एंड वाटर एंड ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी रिलेशनशिप, बेसिकली वो एक एनवायरनमेंट बनाता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। और ये सेक्शन 2 क्लॉज ए में मेंशन किया गया है इस एक्ट के अंदर, ये डेफिनेशन, ये सेक्शन 2 क्लॉज ए। देन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट किस चीज को बोलेंगे, एज पर दिस लॉ मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसेंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजूरियस टू द एनवायरमेंट, टू एनवायरमेंट। तो कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस, सॉलिड में क्या आ जाएगा, सॉलिड में आप जैसे सॉलिड वेस्ट होता है, कूड़ा करकट होता है, लिक्विड में क्या आता है, वेस्ट वाटर या कोई ऐसा पोल्यूटेंट जो पानी में हम छोड़ते हैं, गैसेस में आप एयर पोल्यूटेंट्स जितने भी हमने पढ़े, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। तो उनकी कंसंट्रेशन इस हद तक होगी कि वो एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट के लिए इंजूरियस हो। तो एनवायरनमेंट बेसिकली, एनवायरनमेंट में कौन रहते हैं, प्लांट्स, माइक्रोब्स और जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज है उनके लिए इंजूरियस हो, वो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट कहलाता है एज पर दिस लॉ। तो जिसको डिस्कस किया गया है इन सेक्शन 2 क्लॉज बी। तो उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो मींस प्रेजेंस ऑफ एन मींस प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। अगर ये सब कोई भी पोल्यूटेंट एनवायरमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहेंगे, जिसको मेंशन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज सी में इस एक्ट के अंदर। तो ये चीज़ें आप याद रखना कि ये सेक्शन क्या है, एनवायरनमेंट किस सेक्शन के अंडर आता है, पोल्यूटेंट, फिर पोल्यूशन, ये सब थोड़ा सा आप जहन में रखना। तो फिर एज पर एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दिए गए हैं, जो मेंशन किया गया है सेक्शन 3 में अंडर दिस एक्ट, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर विच सेक्शन और इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर्स। तो यहाँ पे सेक्शन 3, तो इसमें क्या क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या काम है यहाँ पे, क्या क्या पावर्स है, टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो भी नेसेसरी मेजर, ये एक जनरल टर्म है, जितने भी नेसेसरी जरूरी चीजें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये वो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट द एक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी एक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट करना, मींस कि एक दूसरे पे जो है कोऑर्डिनेशन उनकी रहेगी। फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल जो देखो पोल्यूशंस की तीन जो
होते हैं, जो है मतलब रेंजेस होते हैं। एक होता है लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे आप कह सकते हैं जैसे सॉलिड वेस्ट है, कहीं कूड़ा करकट है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी मोहल्ले में कूड़ा है तो ये उस मोहल्ले की प्रॉब्लम है, वहाँ पे कूड़ा करकट है, मीन्स इट्स अ लोकल प्रॉब्लम। दूसरा होता है रीजनल प्रॉब्लम, जैसे वेस्ट वाटर, आप किसी स्ट्रीम में या पॉन्ड में वेस्ट वाटर डालते हैं, उसमें एक पूरा रीजन इन्वॉल्व होता है, बिकॉज जो लिक्विड है ट्रैवल होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। दूसरा होता है ग्लोबल और नेशनल, जिसमें एयर होता है जो पूरे बहुत सारे लोकेशंस पे ट्रैवल करता है, पोल्यूटेंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब है, अगर पोल्यूटेंट्स एक स्टेट क्रिएट करती है, या चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, तो उसको कैसे कम किया जाए, उस में कोऑर्डिनेट करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या लॉज वगैरह जब इम्प्लीमेंट होते हैं उस दौरान कोऑर्डिनेट करना। तो उसके बाद थर्ड वन इज ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड पोल्यूटेंट्स। उसके बाद स्टैंडर्ड्स फ्रेम करना, मीन्स कि जो भी पैरामीटर्स है, चाहे वो वाटर में बीओडी कितना होना चाहिए, सीओडी कितना होना चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, जितने भी पोल्यूटेंट्स है वाटर के, उनकी जो है परमिसिबल लिमिट, इस हद तक वो पानी में हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, चाहे वो एयर, वाटर एंड सॉइल जो पोल्यूटेंट है, या नॉइज़ पोल्यूशन है, उसके लिए होना चाहिए। एग्जीक्यूट नेशन वाइज प्रोग्राम, फिर नेशन वाइज प्रोग्राम्स जो है पूरे कंट्री में प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करना। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज फॉर इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्री जो होती है, अगर आप देखेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप लगा सकते हैं, तो वैसे ही पूरी कंट्री में ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज को डिजिग्नेट करना है, उनको रेस्ट्रिक्ट करना है किसी खास लोकेशन पे, उससे बाहर वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो अगर आपके अगल बगल रेजिडेंशियल एरिया में किसी ने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया है, दैट इज इलीगल, आप उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हो। चाहे वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, चाहे वाटर एयर जो भी पोल्यूशन, आप उसको स्यू कर सकते हो, वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है रेजिडेंशियल एरियाज में। तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वो भी जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पावर्स में आता है। फिर इंस्पेक्टिंग इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस को जो है इंस्पेक्ट करना फॉर वेरियस जो है पोल्यूशन, उनका क्या है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कितना पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल्स, कोड्स एंड गाइड्स, जिसे आप मैनुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, मैंने कहा था पिछली क्लास में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनके पास हर साल मैनुअल्स वो क्रिएट करते हैं, उसमें मैनुअल्स में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की होती है रिगार्डिंग द पोल्यूशन, एबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, फिर कोड्स वगैरह, मीन्स कि किस जैसे पोल्यूटेंट्स होते हैं बहुत टाइप के, जैसे हैजार्डस पोल्यूटेंट्स है तो उनका अलग कोड होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स उनका अलग कोड होता है, फिर गाइड्स कैसे उनको, मतलब डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के लिए डिफरेंट गाइड्स वगैरह जो है पब्लिश करते हैं नेशन वाइड। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स एंड एंट्रस्ट देम विद सच पावर्स। अब ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री तो खुद नहीं करेगी ये सब चीज़ें, इसके लिए कुछ एक एक बॉडी बनाते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो भी यहाँ पे सेक्शन 4 में यहाँ पे मेंशन किया गया है लॉ में, कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स एंड ट्रस्ट देम विद सच पावर्स, किसी ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे और उनको ये पावर्स देंगे, वो ये सब चीज़ें करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पावर जो सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है, इशू डायरेक्शन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस टू एनी पर्सन ऑफिसर्स और एनी अथॉरिटी, किसी को भी जो है डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को क्लोज करना है तो उसको जो है पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो बंद कर सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी को वो एम्पावर कर सकते हैं कि आप कीजिए ये। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द फॉलोइंग मैटर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है अंडर दिस एक्ट, जो शेड्यूल सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जो नीचे गए मैटर्स में
उनको एम्पावर किया, उनको रूल्स बनाना है उस बारे में, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड एयर एंड वाटर, मतलब स्टैंडर्ड्स मींस फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एयर में कितने जो है पोल्यूटेंट्स के जो है परमिसिबल वो होने चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए, वाटर में कितने होने चाहिए, अगर आप डिस्चार्ज करते हैं वाटर वाटर बॉडीज में उसमें पोल्यूटेंट लोड कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स, या ड्रिंकिंग वाटर में स्टैंडर्ड्स कितने होने चाहिए, जैसे आप टोटल डिजॉल्व साल्ट्स लेस देन 500 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो दैट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल्स भी थोड़े चाहिए, दैट इज़ वाई वी कॉल TDS टोटल डिजॉल्व साल्ट्स, जो मिनरल्स होते हैं लेस देन 500 PPM होना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप इरिगेशन के लिए जाओगे, आप जो खेत में पानी देते हो उसमें लेस देन 2100 पार्ट्स पर मिलियन TDS होने चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हो सकता है कुछ साल के बाद जो लैंड है वो साल्ट अफेक्टेड लैंड बन जाए। तो वैसे ही डिफरेंट जो एयर वाटर है सॉयल उसके लिए भी ये सब स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, अब कितना पोल्यूटेंट सबसे ज़्यादा वो छोड़ सकते हैं परमिसेबल, तो वो भी ये जो है बनाते हैं। और प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस, हैजार्डस सब्सटेंस में आता है आपका चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या अदर इन्फेक्शियस जो पोल्यूटेंट्स हो उनको कैसे हैंडल करना है, उनका सेफ डिस्पोजल, कैरिंग, स्टोरेज वगैरह, वो सब यहाँ वो प्रोसीजर्स यहाँ पे वो ये बनाते हैं। प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इससे पहले भी हमने बताया था कि इंडस्ट्रीज को रेस्ट्रिक्ट करना या प्रोहिबिट करना, तो ये भी इसी जो है किसी लोकेशन के बेस पे वो भी इस लॉ में ये इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। प्रोसीजर्स फॉर सेफ गार्ड एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, अब एक्सीडेंट्स जैसे इंडस्ट्रीज में होते हैं एक्सीडेंट्स, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ है उसमें लीक हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, वहाँ पे एक्सीडेंट्स जो प्रेशर की वजह से जो उसमें जो पूरा जो वहाँ पे टैंक था जिसमें वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड था, तो उसकी जो प्रेशर है इंक्रीज हो तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटल रिलीज हुए, तो यहाँ पे प्रोसीजर्स एंड सेफ गार्ड क्या क्या इंडस्ट्रीज के पास होनी चाहिए चीज़ें जिससे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद और भी सेक्शंस है, यहाँ पे सेक्शन 6 तक हमने देखा, फिर सेक्शन 7 बताता है नो पर्सन इंडस्ट्रीज अलाउड टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट, किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा चाहे वो इंडस्ट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे। प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस आर लेड डाउन फॉर कंट्रोल और पोल्यूशन सेक्शन 9, सेक्शन 10 में मॉनिटरिंग अथॉरिटी कैन कैरी आउट इंस्पेक्शंस, देन सेक्शन 11 पावर टू टेक सैंपल्स, अब इंडस्ट्री से सैंपल लेना पड़ेगा तो उसमें वो सेक्शन जो है 11 में मेंशन किया गया है। देन सैंपल्स आर टेस्टेड इन एनवायरमेंटल लेबॉरटरीज, एंड देन एनवायरमेंटल लेबॉरटरी जो है हम वो भी डिस्कस करेंगे, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है वो भी सेक्शन 12 में यहाँ पे मेंशन किया गया है अंडर दिस लॉ। तो ये जब आप जनरली अब याद रखो कि सेक्शन के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती है, हो सकता है कि क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है अंडर व्हाट सेक्शन मॉनिटरिंग अथॉरिटी कैन कैरी आउट इंस्पेक्शंस इन इंडस्ट्रीज, तो नीचे ऑप्शन दिए गई होगी सेक्शन 7 9 10, तो यू कैन ऑप्ट द करेक्ट वन। उसके बाद पेनल्टीज, पेनल्टीज क्या क्या है इस सेक्शन में, हुएवर कंट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ एक्ट, मैक्सिमम उसमें पनिशमेंट दी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का उसने जो है लॉ तोड़ा है, कंट्रवीन किया है जो लॉ को, तो उसको उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है या 1 लाख तक जुर्माना या 5,000 पर डे का जुर्माना हो सकता है। तो ये जो 5,000 पर डे हमने एयर पोल्यूशन एक्ट में भी देखा है वहाँ पे भी ऐसे ही इस टाइप की पेनल्टी है, तो ये सेक्शन 15 में है। फिर सेक्शन 16 में है द डिफॉल्टर कंपनीज जो भी होगी, तो अगर कोई कंपनी होती है पार्टनरशिप में या होली सोली उसका होता है तो उसके जो हायर अथॉरिटीज है कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट उस होते हैं बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट्स, उनको स्यू किया जाता है, उनको नोटिस भेजी जाती है। तो फिर सेक्शन 17 में दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड HODs, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिफरेंट जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी HODs पे भी ये इम्प्लीमेंट होता है, ये खाली इंडस्ट्रीज पे नहीं होता है या खाली सिविलियंस पे नहीं होता है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज पे भी होता है इम्प्लीमेंट। तो उसके बाद
अब इसके जो साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, हमने तो अब तक ये पढ़ा सेक्शंस, इसमें कौन कौन से सेक्शंस क्या क्या जो है डील करता है। उसके बाद दिस एक्ट डील्स विद द क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है यही कि अगर आप पोल्यूट करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो पेनल्टी वाला पोर्शन है, पोल्यूट करोगे एनवायरनमेंट को तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो फिर एनवायरमेंटल लैब्स आर एस्टैब्लिश्ड और अथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें एनवायरमेंटल लैब्स बनाते हैं। तो एनवायरमेंटल लैब्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज कि हमें सैम्पल्स को एनालाइज करना पड़ेगा। जब भी हम सैम्पल्स लेंगे किसी भी जगह से तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स आर ले डाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने इससे पहले पढ़ा, ये भी एक साइलेंट फीचर है इस एक्ट के अंदर। साइलेंट जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं फॉर डिफरेंट जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो, चाहे एयर वाटर और नॉइज पोल्यूशन हो, सॉयल पोल्यूशन हो, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो, जितने भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हो, उसके लिए स्टैंडर्ड्स फ्रेम किए जाते हैं अंडर दिस एक्ट। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज एंड पनिशमेंट इस एक्ट में दी जाती है। पर्सन्स हैविंग हाईएस्ट अथॉरिटीज इज प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मीन्स उसको मतलब नोटिस भेजी जाती है। जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी के एम्प्लॉय को तो स्यू नहीं कर सकते हैं, जो भी उसका जो हेड हो, सीईओ है या डायरेक्टर है कोई, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। हैजार्डस वेस्ट आर डिफाइंड एंड स्पेशल प्रोसीजर्स इज लेड डाउन, हैजार्डस वेस्ट को डिफाइन किया जाता है। ये मैं बताऊंगा, इसमें जो अम्ब्रेला लॉ है हैजार्डस वेस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन से लॉज आते हैं। लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स्ड, मीन्स कि कोई भी बंदा केस कर सकता है, पीआईएल फाइल कर सकता है। पीआईएल मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप तभी फाइल कर सकते हैं जब भी कोई चीज़ इफेक्ट करती है बहुत सारी पॉपुलेशन को। चाहे फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में रहते हैं और उस एरिया में कोई पानी का सोर्स है और उस पानी के सोर्स को कोई गंदा करता है, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इंडिविजुअल, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, पीआईएल डाल सकते हो। तो पीआईएल डालने के बाद कोर्ट उसको खुद जो है प्रोसेस करेगी, प्रोसीड करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाना है कोर्ट। तो अंडर दिस लॉ आप वो कोई भी बंदा जिसको लगता है कि उसका जो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, दैट ही और शी कैन फाइल द केस। दिस एक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो हमने देखा, और जिसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो अब जितने भी जो लॉज ले डाउन हुए हैं इस लॉ के अंडर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स, फिर हैजार्डस वेस्ट रूल्स 1987, अब उसको जो अमेंडमेंट किया गया है 2016 है, अब हैजार्डस वेस्ट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट 1998, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000, नॉइज पोल्यूशन 2000, ओजोन डिप्लीशन सबस्टेंसेस रूल्स 2000, बैटरी वेस्ट रूल्स 2001, प्लास्टिक वेस्ट 2011 एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल्स 2011। तो आप देख सकते हो ये सारे जो लॉज है, ये जो है अबाउट पोल्यूशन है, डिफरेंट पोल्यूशंस यहाँ पे। अब इसमें और भी लॉज आ सकते हैं इन फ्यूचर, या और इसके अलावा भी हो सकता है कोई और है जो मुझे मिस हुआ हो, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ये इसमें एक अम्ब्रेला है कि इसके अंडर बहुत सारे लॉज आते हैं। और जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो सेपरेट आते हैं, ये सेपरेट आता है। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स जो ये है, हम ये वाला पढ़ेंगे, एंड इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशन और डिस्चार्ज, इसके बेसिस पे ही हम इमिशन स्टैंडर्ड्स और डिस्चार्ज्स के जो स्टैंडर्ड्स ले आउट करते हैं। इमिशंस मीन्स जो इंडस्ट्री से एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, या वाटर वेस्ट वाटर निकलता है उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। प्रोसीजर ले डाउन फॉर गिविंग डायरेक्शन अंडर सेक्शन 2 बाय द सेंटर, जो अब सेक्शन 5 में क्या मेंशन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्स टू इशू डायरेक्शन टू एनी पर्सन। यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री को क्लोज करने का जो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी उसके प्रोसीजर्स जो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि किसी को भी पावर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है छीन ली जाएगी अगर किसी को, अब उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, कैसे, क्या उसका प्रोटोकॉल है, वो भी इसके अंदर है, रूल्स के अंदर।
प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोकेशंस। अब इन जो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है उसकी जो प्रोहिबिशन है कहाँ नहीं लगा सकते और रेस्ट्रिक्शन कहाँ लगा सकते हैं, तो उसके बेस पे ह्यूमन सेटलमेंट उससे कितना दूर है, रेजिडेंशियल एरियाज कितने दूर है, या एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कितने दूर है, बायोडाइवर्सिटी को, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते ही मद्देनजर रखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते। उसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो होते हैं अंडर दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 96। अब उसके बाद प्रोसीजर सैंपल्स कैसे लेने हैं। अब सैंपल्स जैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री से सैंपल लेते हैं, उसमें जो ओनर है उसका भी साइन होना चाहिए, फिर जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है उसका भी साइन होना चाहिए सैंपल पे, फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो वहाँ से जब रिपोर्ट आती है वो थर्ड पार्टी होते हैं बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी, वो जो है रिकॉग्नाइज्ड विद द गवर्नमेंट होती है, तो उसमें सैंपल पे दोनों के साइन होते हैं, ओनर के भी जहाँ से सैंपल लिया जाता है और जो सैंपलिंग अथॉरिटी है जो सैंपल लेती है, तो उसके जो प्रोसीजर्स है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। व्हेन एनी पर्सन इज फाइलिंग कंप्लेंट, फॉर्मेट नोटिस, जो नोटिस के फॉर्मेट हो गया, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। बेसिकली जो हमने इसकी साइलेंट फीचर्स देखे हैं, वही साइलेंट फीचर्स कैसे हमको इम्प्लीमेंट करने हैं, उसके क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, वो इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। फॉर्मेट फॉर एनवायरमेंटल लैब रिपोर्ट्स, अब एनवायरमेंटल लैब का जो है रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होगा, अब एक कॉमन फॉर्मेट बनाता है वो, तो उसके बाद फॉर्मेट फॉर एनवायरमेंटल ऑडिट, ऑडिट होता है एक एनुअल ऑडिट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक्चुअली मैं भी गया हूँ एक बार ऑडिट में, हम वेस्ट वाटर नहीं, वाटर ऑडिट करते थे कितना वाटर कंज्यूम होता है। तो इसमें ऑडिट में क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में जाते हैं जो भी अथॉरिटीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, वो ऑडिट करते हैं कितना आप वेस्ट वाटर जनरेट करते हो, वेस्ट वाटर में क्या किन किन टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका जो लेवल कितना है, ज़्यादा है कि कम है, फिर कितना पानी आप खर्च करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज़ करते हो, अदर जो एयर पोल्यूटेंट्स वो कितना करते हो, ये सब एनवायरमेंटल ऑडिट में आता है। तो अगर फिर उसके बाद रिपोर्ट बनती है तो अगर उनका ज़्यादा पोल्यूटेंट्स आएगा तो या तो उनको बताया जाता है आप मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाइए या पेनल्टी आप भरिए। अगर ये आपको याद होगा एनवायरमेंट वाटर सेस एक्ट तो 1977, उसमें हमने बताया था जो जो भी ज़्यादा वाटर यूज़ करेगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जिसके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे उसको 70% टैक्स कम देना पड़ेगा ऑन वाटर यूजेज, तो वो भी वाटर ऑडिट में जो है देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो अब शेड्यूल्स इसमें क्या क्या है, शेड्यूल 1 लेज डाउन प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर 87 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब 87 डिफरेंट इंडस्ट्रीज आप जाके इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो अंडर शेड्यूल 1 ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स कि 87 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, उसमें रबर, कॉपर, आयरन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, टेनिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है। उसके बाद शेड्यूल 2 में नॉइज पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। अब रेजिडेंशियल एरिया में फॉर एग्जांपल नाइट के टाइम, रात के टाइम 55 डेसिबल से कम नॉइज पोल्यूशन होना चाहिए और दिन के टाइम 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही इंडस्ट्रियल एरियाज में रात के टाइम या दिन के टाइम 75 जो डेसिबल है उससे कम होना चाहिए और 70 रात के टाइम होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड्स बनाता है ये बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाता है। तो उसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल अलग अलग इसके हैं, नाइट के टाइम कितना होना चाहिए, दिन के टाइम कितना होना चाहिए। तो अगर 80 डेसिबल किससे ज़्यादा हो गया दैट इज नॉइज पोल्यूशन। तो उसके बाद मोटर व्हीकल स्टैंडर्ड्स शेड्यूल 3rd में आता है एंड शेड्यूल 5th 4th में जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर एफिलेंट्स, इनलैंड सरफेस, पब्लिक सुअर, लैंड इरिगेशन, मैरीन कोस्टल एरियाज। अब जितने भी एफिलेंट्स रिलीज होते हैं जैसे वेस्ट वाटर हम रिलीज करते हैं, तो उसके एफिलेंट स्टैंडर्ड्स कितने होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी वेस्ट वाटर अगर आप
इनलैंड पानी में को गंदे पानी को आप लैंड पे छोड़ते हो, चाहे वो इरिगेशन के लिए या ऐसे ही मतलब उसको छोड़ने के लिए, आप उसमें डिजॉल्व साल्ट्स मोर देन 2100 ppm नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड्स जो है एफिलेंट स्टैंडर्ड्स बनाता है अंडर शेड्यूल 4, तो उसके बाद जो पब्लिक सीवर लाइन्स है उसके लिए स्टैंडर्ड्स, जो गंदा पानी जो अर्बन एरियाज होता है या घर से हमारे जो पानी गंदा पानी निकलता है तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। लैंड इरिगेशन स्टैंडर्ड्स, अगर आप पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ करते हो तो उसमें किस किस टाइप के जो है होने चाहिए पैरामीटर्स। फिर मैरीन कोस्टल एरियाज, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब जो है अंडर जो शेड्यूल्स है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स में इसमें मेंशन किया गया है। अब इसमें अब थोड़ा सा पिछली क्लास में भी बता रहे थे कि जैसे सेंट्रल बोर्ड जो होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें मेंबर्स वगैरह क्या होता है। एक तो चेयरमैन होता है और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनीज और कॉरपोरेट्स ओनर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी कॉरपोरेट्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होते हैं कंपनीज, उसके 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो भी इंडस्ट्रीज मैनेज करते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन रिप्रेजेंटेटिव हैव इंटरेस्ट इन हैव इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज इंडस्ट्रीज ट्रेड, जो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर्स। फिर मेंबर सेक्रेटरी, तो वो फुल जो टाइम प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन नॉलेज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब इनका जो है ले डाउन होता है कि इनकी जो अब रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो ऐसा ही किसी को उठा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते ना, उसकी अलग प्रोसीजर्स है, उसमें क्या क्या वो होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। फिर वैसे स्टेट बोर्ड्स में भी होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसमें 5। फिर लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनको अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं, लोकल बॉडीज कहते हैं, उसके 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर एग्रीकल्चर फिशरी एंड इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, फिर मेंबर सेक्रेटरी। तो इनका जो एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और पॉल्यूशन, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अब हम पहुंच गए लास्ट जो इसका पोर्शन है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। अब जितने भी लॉज वगैरह बनाए हम ठीक है, अब जो पेनल्टी वगैरह लगती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट बनती है कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट कितना है, अब जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है जो एनालाइज करता है जो सैंपल्स को एनालाइज करता है, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो अप्लाई कर सकता है टू बी ए गवर्नमेंट एनालिस्ट लेबोरेटरी बनाने के लिए। तो ही और शी शुड बी ग्रेजुएट इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी एंगेजिंग एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशंस टेस्टिंग एंड एनालिसिस। जितने भी डिफरेंट पैरामीटर्स है उसको आने चाहिए लेबोरेटरी में, कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सर्वे कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। या तो वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में और इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इन मेडिसिन, और इक्वलन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है लैब एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का। या तो पोस्ट ग्रेजुएट इन एनवायरमेंटल साइंस होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लेबॉरेटरी। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसके बेस पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोई भी अप्लाई कर सकता है टू बी अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेबॉरेटरी। तो अब फंक्शंस जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेबॉरेटरी या एनवायरमेंटल लेबॉरेटरी जो गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज करती है, ये जहाँ पे सैम्पलिंग हो सकती है, ये टेस्टिंग हो सकती है सैम्पल्स की, तो उसकी क्या क्या जो है फंक्शंस है। टू इवॉल्व स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर वेरियस एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जो डिफरेंट स्टैंडर्डाइज मेथड्स होते हैं। अब हमने एक्ट्स में देखा कि इमिशन स्टैंडर्ड्स है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब उसको एनालाइज करने के अपने तरीके होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स डेवलप करना, इवॉल्व करना। ऐसे तो हर किसी पोल्यूटेंट का पहले ही मेथड जो हो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं कि कैसे उसको एनालिसिस करना है, डिफरेंट केमिकल्स कितने यूज करने हैं, कौन सा केमिकल यूज करना है फॉर एनालिसिस, वो पहले ही डिफाइन। अब ये कोई खास मेथड जो है यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ सैंपल्स। उसके बाद टू एनालाइज सैंपल सेट बाय
गवर्नमेंट सेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर्स एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 1 एंड सेक्शन ऑफ सेक्शन 11। तो अब जितने भी सैंपल्स सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भेजेंगे, वो उनको एनालाइज करने हैं। टू कैरी आउट ईच इन्वेस्टिगेशन मे बी डायरेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी डिस्चार्ज, टू मॉनिटर और एनफोर्स स्टैंडर्ड्स ले डाउन। अब ये भी कुछ जो है हद तक जो स्टैंडर्ड्स जो है क्वालिटी जो है ले डाउन कर सकते हैं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट उस कितना डिस्चार्ज होना चाहिए, एनवायरनमेंटल क्वालिटी के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो कुछ हद तक भी ये एनफोर्स कर सकते हैं। टू सेंड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स रिगार्डिंग इट्स एक्टिविटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसको पीरियोडिकली मतलब 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अपने रिपोर्ट्स भेजने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। टू कैरी आउट सच अदर फंक्शंस एज मे बी एंट्रस्टेड टू इट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द, अब कोई भी अदर अदर देन दीज जो असाइनमेंट्स कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अदर कोई असाइनमेंट देगी वो भी इसको करना पड़ेगा। ये थी जो एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज अंडर दिस एक्ट क्या क्या उसको काम है। तो ये था आपका।